वेलकम बैक न्यू वीडियो का साथ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना आपको किस तरह से स्टेटस चेक करना है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना को चेक करने के लिए आपको कोई भी कंप्यूटर या शॉप पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग खुद आपका एंड्रॉयड फोन से चेक कर पाएंगे। और किस तरह से आपको चेक करना है फुल जानकारी इस वीडियो पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इस वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, आपको दूसरा अलग से कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ चुका है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, अगर आपका नाम यहाँ पर नहीं आता है, आपका लिस्ट पर नाम नहीं आता है, तो आपको किस प्रकार से जो है अप्लाई करना है, सारा कुछ डिटेल्स इस चैनल पर वीडियो आने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब भी वो वीडियो आएगा, आप वीडियो देख के फ्रेंड्स, आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आपको ब्राउजर पर आपको टाइप करना है RS रिपोर्टिंग। यहाँ पर देख सकता है फ्रेंड्स, आ चुका है RS रिपोर्टिंग। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट वाला लिंक आ चुका है RS रिपोर्टिंग NIC.in, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बाद ऐसे वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम जो दिया हुआ है होम, और नेक्स्ट है अबाउट अस। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो अबाउट अस का ऑप्शन है, तो आपको इसमें क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते फ्रेंड्स, उसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जो यहाँ पर देखिए, जो सेकंड नंबर पर है आवास शॉप, तो आपको इसमें क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर डाटा एंट्री रिपोर्ट, और उसके बाद है FTO ट्रैकिंग, नेक्स्ट ई पेमेंट और परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो आपको इसमें जो है रिपोर्ट का ऑप्शन जो है उसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते फ्रेंड्स रिपोर्ट का ऑप्शन पर, तो उसके बाद फ्रेंड्स इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर जो दिया हुआ है ए फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ABCDE, तो आपको जो है यहाँ पर ई वाला जो ऑप्शन है, इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है कैटेगरी विथ SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते फ्रेंड्स, उसके बाद इस प्रकार सा ऑप्शन आ जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, टोटल स्टेट यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल स्टेट का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, और माइनॉरिटी कितना है यहाँ पर सारा कुछ दिखा रहा है, और अथर्स में यहाँ पर देखा चुका है। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकता है कितना स्टेट पर SC ST टोटल कितना है, सारा कुछ यहाँ पर चेक करता है कर पाएंगे। और उसके बाद जो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे मेन टॉपिक है यहाँ पर, आप इस फोल्डर को जो आपका लिस्ट है उसको आप डाउनलोड PDF करके भी डाउनलोड कर पाएंगे, और एक्सेल पर भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ऑल स्टेट का ऑप्शन है, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते फ्रेंड्स, जो आपका स्टेट है, आपको यहीं से कोई भी एक स्टेट सेलेक्ट कर देना है जो आपका स्टेट है, और आपका स्टेट जो है उस स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बिहार कर लिया। तो उसका बाद जो है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस नीचे देखिए यहाँ पर जो आपको क्लिक कर देना है सिलेक्ट पर, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका सामने फिर से सेम इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन है, फिर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, फिर से आपको सिलेक्ट पर आना है, और नेक्स्ट आपको आपका जो गाँव पंचायत है, उस गाँव पंचायत को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे नीचे थोड़ा देखिए स्क्रॉल डाउन कर लेना, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 88-20, तो आपको यहाँ पर प्लस भी आ सकता है। अगर प्लस आते तो आपको प्लस करके यहाँ पर दे देना है, अगर माइनस आता है तो आपका यहाँ पर, तो आपको जो है फ्रेंड्स माइनस यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, मैं माइनस लिख चुका हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है फ्रेंड्स, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है आपका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो जो क्षेत्र में यहाँ पर डाल चुका हूँ उसमें कोई भी लिस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड दिख रहा है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स, आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको
स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक नेक्स्ट यहाँ पर जो गांव पंचायत है वो सिलेक्ट करने के बाद आपका जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो लिस्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि इस तरह से आपको डाउनलोड करना है और स्टेटस चेक करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना फ्रेंड्स, साथ में चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वाला हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर आते रहेगा और फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरह से आपको अप्लाई करना है, इसके लिए इस चैनल पर वीडियो आने वाला है। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।